गोंदिया जिले में एक तरफ जहां बेमौसम बारिश ने कई किसानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ गांव में अभी भी गर्मी है और पानी की समस्या गांव में पहुंच गई है। ऐसा ही एक गांव है गोंदिया तालुका का बिरसी। यहां ब्रिटिश काल का हवाई अड्डा था जो अब नए स्वरूप में आ गया है और स्थान पर गोंदिया हवाई अड्डा बनाया गया और इस कारण इस हवाई अड्डे के पास के लोगों का पुनर्वास किया गया और 106 परिवारों को सरकार द्वारा पुनर्वासित गाँव दिया गया। यहाँ 106 परिवार अपना घर बना कर रहते हैं, लेकिन आज भी इन गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं और आज भी इस गांव के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ महिलाओं और बच्चों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। अगर उन्हें पानी सहित बहुत बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है तो उन्हें जगा दे। बिरसी हवाई अड्डे के कारण पुनर्वासित हुए 106 परिवार इस गाँव के पास रह रहे हैं, लेकिन यह गाँव तैयार होने के बावजूद भी इन गाँव से कई शिकायतें हमेशा आती रहती हैं, क्योंकि सरकार ने इन गाँव में बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की है। लेकिन अब गर्मी चल रही है और इस गर्मी में पानी जरूरी है, लेकिन पानी के लिए इन नागरिकों को 500 मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और चूंकि गाँव वालों की शिकायत है कि पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए गाँव वालों का कहना है कि उन्हें पीने का पानी खरीदना पड़ता है क्योंकि गांव में पीने लायक पानी नहीं मिलता है। एक और जहां जल स्वराज मिशन के तहत सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, लेकिन अफसोस है कि बिरसी वासियों को पानी नहीं मिल रहा है। पुनर्वासन हम लोगों को बिरसी कैंप से बिरसी में दिए हैं, लेकिन हम लोगों को पानी की सुविधा कुछ नहीं दिए। सब कुछ सुविधा देने वाले थे सरकार, लाइट नहीं, रोड रास्ता नहीं, पानी की सुविधा नहीं, कुछ नहीं। पीने के लिए पानी अच्छा भी नहीं मिलता, बोर में दूर आना पड़ता है, दूसरे के घर से पानी भरती हूँ, वो भी लाइट की सुविधा नहीं है। कभी हमको मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता। इतना दूर दूर आकर पानी भरना पड़ता है बच्चे लोगों को लेके। गर्मी के दिन है और गर्मी में लाइन लगा के पानी भरना पड़ता है, आधा किलोमीटर दूर से ही आना पड़ता है और इतना पानी भरने के लिए थकान हो जाते हैं। इतना दूर पानी, अभी सरकार इतना सहूलियत देने के बावजूद भी हमको अनाथ रखे है। सरकार से हमको पानी की सुविधा करे, यही मांग है हमारी। पानी, लाइट, रास्ता। हमको बहुत तकलीफ हो रही है, कम से कम 500 मीटर दूर है, पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत है और वो भी सुविधा मिलता भी नहीं पानी की। मलगट पानी से पानी भी ऐसे ये है और किसी का बोरिंग के भी पानी लाओ तो वो भी सही समय पे लाइट नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। ऊपर से रास्ता नहीं है, कुछ लाइट नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है हमें। और खरीद के कभी कभी आए वो भी बहुत मुश्किल से जी, कोई आने जाने के लिए नहीं देखता, रोड नहीं है, रास्ता के लिए आने के लिए दिक्कत है ना, कोई पानी लेके भी नहीं आते। अब पैसे से कौन, जिसके यहाँ साधन है वो ला लेते हैं दूर से, जिसके यहाँ साधन नहीं है वो कैसे लाएंगे पानी। लाने के बहुत दिक्कत है, पानी की तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, खास करके ये नाले में। जैसे पुनर्वास किया है तो पुनर्वास करने के बाद सरकार ने बोले थे कि सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिला और पानी की तो इतनी समस्या है कि दूर से पानी लाना पड़ता है और वो गंदा पानी है, फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं और जो पीने का पानी है वो हमको बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है। इतनी मुसीबत है, शासन से मांगा कि हमारे ये रोड रास्ता और ये पानी का व्यवस्था कर दे। पुनर्वास तो कर दिया है लेकिन पुनर्वास करने के बाद हमको भूल गया लगता है। सर यहाँ पे एक्चुअली हुआ है कि बिरसी में जो जब से 106 लोगों का पुनर्वासन हुआ, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीज़ों की पूर्ति सरकार की तरफ से की जानी थी, जैसे रोड रास्ता नाली पानी। सरकार ने पुनर्वासन के नाम पर प्लाट तो दे दिया पर जो बेसिक चीज़ है, सबसे अत्यावश्यक पानी है, लाइट है, रोड है, रास्ता है, पर अभी तक शासन ने ना रोड की व्यवस्था किया, ना पानी की व्यवस्था की, ना नाली की व्यवस्था की, ना लाइट की व्यवस्था की। अभी हमारे ग्रामवासियों को इतना तकलीफ यहाँ पे झेलना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में इतिहास में पहला पुनर्वासन होगा जहाँ पे बेसिक चीज़ों की पूर्ति नहीं की गई, ना लाइट की पूर्ति की गई, ना पानी की व्यवस्था की गई। अभी हमारे ग्रामवासी आधा आधा किलोमीटर से पानी लेकर ला रहे, वो भी सिर्फ यूज़ करने लायक का, पीने का पानी उनको खरीद के लाना पड़ता है। शासन को हम बोल बोल के थक गए हमने, इसलिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इनके तक भी हमने कई बार अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से निवेदन दिए कि हमारे वो जो बिरसी गांव में पुनर्वासन हो रहा है इसके अंतर्गत जो भी बेसिक सुविधा है इसको पूर्ति की जाए, पर शासन की तरफ से हमारे बिरसीवासियों को पूरा अनदेखी की गई है। यहाँ पे किसी भी तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी पूर्ति नहीं की गई है शासन की तरफ से। अभी शासन से हमारी ये मांग है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, रहने के लिए घर तो दे दिया पर पानी, लाइट, बिजली, रोड, रास्ता, ये सबसे अति आवश्यक चीज़ है। सबसे पहले पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था ये की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे ग्राम पंचायत के माध्यम से। महिलाओं को रोज सुबह पानी लाने के लिए आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन गंदा पानी होने के कारण बर्तन मांजने के काम भी आता है।
और देखने में आता है कि ग्रामीण पानी पीने के लिए पैसे खर्च कर पानी के टेपों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पानी की समस्या इस गांव में लगातार बनी हुई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आने वाले दिनों में आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इन्वेस्ट न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।